नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम के साथ मैं हूं अमरनाथ और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कार्यक्रम फोन इन लाइव के अंतर्गत हम आपको किसी खास विषय और विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज के सेगमेंट से हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत और सुलह का सुनहरा अवसर। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती धृति जसलीन शर्मा, आप बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त सचिव हैं, और इनके ठीक दाईं ओर श्री प्रहलाद कुमार जी हैं, आप रजिस्ट्रार हैं, और सबसे दाईं ओर श्रीमती किरण ओझा जी, आप सहायक रजिस्ट्रार हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम अपने ठीक के दाईं ओर बैठी हुई जसलीन जी से शुरू करेंगे। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो सबसे पहला हमारा ये सवाल विषय से जुड़ा हुआ कि ये लोक अदालत क्या है? लोक अदालत जो एक ऐसा मंच है जहाँ पे कोर्ट न्यायालय में आने वाले विवाद और जो पूर्व विवाद है, जिनको हम प्री लिटिगेशन कहते हैं, उनका निपटारा किया जा सकता है। ये जो हमारा एक नालसा एजेंसी है, जो हमारा लीगल सर्विसेज एक्ट है अधिनियम, उसके अंतर्गत लोक अदालत आयोजन करने का दिया गया है। और राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 4 बार ही आयोजन होती हैं। कुछ वजह से पिछली बार कोरोना, जैसे आप जानते हैं, उसकी वजह से 4 बार नहीं हो पाया, लेकिन अब की बार ये साल का दूसरा लोक अदालत है। पिछला जुलाई में हुआ था, अब सितंबर में है और अगला दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। जी प्रहलाद सर, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो है 11 सितंबर को हो रहा है, यानी कि आने वाले शनिवार को। तो इससे पहले कि हमारा ये सवाल ये होगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का करने का जो है, आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि कानून की पेचीदगियाँ हैं और लिटिगेशन, आप समझ रहे हैं कि इंडलेस होता है। अगर कोई एक पार्टी जीतता है तो वो उसको होता है कि ऊपर के न्यायालय में वो अपील दायर कर सकता है। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए आपसी सुलह सामंजस्य से एक अवसर प्रदान किया जाता है लोक अदालत के तहत, कि दोनों पक्ष अपना सुलह के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। अगर वो मुकदमा लंबित है, या अगर वो लंबित नहीं है तो जो जिला विधिक प्राधिकार है उनके सचिव के सामने वो आवेदन देते हैं, उनको दूसरे पक्ष को नोटिस होती है और सुलह के आधार पर मुकदमे का निपटारा होता है। इसके फायदे ये हैं कि इनसे जो निपटारा होता है लोक अदालत के तहत, वो अपीलीय नहीं होता है, वो सिविल कोर्ट के डिग्री के बराबर उसकी मान्यता है। और हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो भी, जैसा कि जो उन्होंने कोर्ट फी पे कर रखा है अगर लंबित मामले हैं, तो वैसे मामले में कोर्ट फी भी वापस हो जाता है। और किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती है, दोनों पक्ष की विजय होती है, विनिंग सिचुएशन दोनों पक्ष के लिए होता है। हम अपने दर्शकों से को बता दें कि अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, सीधा सवाल पूछना चाहते हैं विषय से संबंधित, तो हमारा नंबर है, नोट कीजिए, 1800-3456-171। ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, तो आप इस नंबर पर डायल कर विषय से संबंधित सवाल जो है पूछ सकते हैं। और हाँ, याद रहे कि आप राष्ट्रीय लोक अदालत पर ही जो है सवाल करें। तो अब हम किरण मैम के पास जाएंगे। तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लोक अदालत का गठन जो है वो किस अधिनियम के अनुसार होता है? हमारा एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है 1987, उसके अंदर लोक अदालत का प्रोविजन है। और ये लोक अदालत अलग अलग लेवल पे किया जाता है। जैसे अभी हमारा जो होने वाला लोक अदालत है वो नेशनल लोक अदालत है, वो पूरी देश पे किया जा रहा है। तो वो उसके लिए हर लेवल पे एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना केसेस डिस्पोजल करा सकते हैं। तो बेसिकली जो पावर लोक अदालत का आता है वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से ही आता है। और इसकी एक सेंट्रल एजेंसी भी है नालसा, जो समय समय पर बहुत सारे गाइडलाइंस इशू करते रहती है, जिसको हम फॉलो करते हैं जब हम अपना नेशनल लोक अदालत लगाते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने राज्य बिहार में ज़्यादातर कौन से मामले जो है सबसे ज़्यादा आते हैं? राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जो विषय हैं उनकी सूची जो है हमारी, जैसे मैडम ने बताया, नालसा केंद्रीय एजेंसी है, नालसा के द्वारा ही हमें उन विषयों को दिया गया है, जिसमें कि आप प्री लिटिगेशन स्टेज पे अगर हम बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, इलेक्ट्रिसिटी के मैट, जो इलेक्ट्रिक बिजली के हैं,
पानी के विवाद हैं और बैंक के विवाद हैं, जैसे किसी ने कर्जा ले लिया और वो दे नहीं पा रहा, उसको लगता है कि मैं जो उस पर ब्याज का मेरे को है उसको माफ़ी पहले मैं बैंक में डाल सकूं, या बैंक भी नोटिस देना चाहे, उसको हम पूर्व विवाद कहते हैं कि अभी वो वाद विवाद है, वो विवाद नहीं बना, कोर्ट में नहीं आया वो मामले। और उसके बाद जब हम बात करेंगे कि पोस्ट लिटिगेशन जो मामले न्यायालयों में लंबित हैं उनमें नेगोशिएबल आपके चेक बाउंसिंग नेगोशिएबल जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में चेक बाउंसिंग के केस कहते हैं वो केस आते हैं, आपका बिजली पानी के जितने भी केसेस हैं जिनमें कोई केस चल रहा है या कंपाउंडिंग फ़ी के साथ आप कर सकते हैं, जितने भी क्रिमिनल केस कंपाउंडेबल हैं, हमें पता है कि बहुत सारे जो फौजदारी केस होते हैं वो समनीय होते हैं जिनमें सुलह कर सकते हैं, हमारा सीआरपीसी में 320 सेक्शन में दिया रहा है कि कौन कौन से वाद हैं, कौन कौन से ऐसे केस हैं जिनमें सुलह हो सकती है अगर पार्टी चाहे, कोर्ट के कुछ कोर्ट की आदेश से और कुछ पार्टीज आपस में, जैसे एक ने किसी को नुकसान किया, एक थप्पड़ मार दिया, तो जिसने थप्पड़ मारा अगर वो उसको बोलता है मैं माफ़ कर दूंगा, तो दोनों का अगर कंपाउंडेबल है, अगर उसको कानून कंपाउंडेबल मानता है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अपनी मर्जी से चाहेगी और किसी ऐसे जुर्म में सुलह कर लेगी, वो नहीं मानेगा, जो कानूनी तौर पर अलाउड हैं जिनको हमने हमारा कानून जिनको मानता है, और क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस जो हैं उनको लिया जाता है, मैट्रिमोनियल केसेस को लिया जाता है, फैमिली डिस्प्यूट को, लेकिन उसमें डिवोर्स केस बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिवोर्स केस को हम इसमें नहीं लेते। प्रहलाद सर, अपने देश में ज़्यादातर जो मामले हैं वो ज़मीनी विवाद से जुड़े हुए हैं, सिविल मामले से जुड़े हुए हैं, तो क्या लोक अदालत में इस तरह के मामले का जो है निस्तारण किया जाता है? देखिए, हमारे उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि ऐसे संपत्ति के मामले जिसमें टाइटल इन्वॉल्व होता है उसको न्यायालय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें मेरिट को देखना होता है, इसलिए प्रॉपर ये होता है कि आप एडजुडिकेशन कोर्ट के थ्रू प्रॉपर ट्रायल करके हो, इससे इन संपत्ति के मामलों का निस्तारण लोक अदालत में नहीं किया जा सकता। जी किरण मैम, क्या न्यायालय में वाद के दर्ज होने से पूर्व भी जो है वादों का निस्तारण लोक अदालत में होता है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैडम ने बताया कि दो तरह के केसेस हैं, एक है प्री लिटिगेशन केसेस हैं और एक पोस्ट लिटिगेशन केसेस हैं। ऐसे कुछ समझ केसेस हैं जो अभी तक न्यायालय में नहीं पहुंचे हैं, उन्हें हम प्री लिटिगेशन के केसेस कहते हैं। उसमें अगर आप समझें तो जितने भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं, अगर आपका फ़ोन का बिल पेंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, वाटर बिल का हो गया, कई बार वेट्स एंड मेजर्स के केसेस होते हैं जिसमें दुकानदार को कुछ फ़ाइन भरना होता है, ये सब प्री लिटिगेशन के केसेस हैं। ऐसे केसेस में केसेस अभी कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं, तो इनका भी निस्तारण और डिस्पोजल किया जा सकता है नेशनल लोक अदालत में। और दूसरा, हम सभी जानते हैं कि जो केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है किसी कोर्ट में, उनको हम कहते हैं पोस्ट लिटिगेशन, जिसमें मामले पहले से लंबित हैं, उन केसेस में भी आप चाहें तो अपना केस नेशनल लोक अदालत के थ्रू डिस्पोजल करा सकते हैं। तो क्या वैसे केस का भी जो डिस्पोजल होता है जो काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो पेंडिंग है और दोनों ही पक्षकार जो हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? देखिए सर, नेशनल लोक अदालत का जो बेसिक फाउंडेशन है वो है कि दोनों पक्षों की सहमति, कॉम्प्रोमाइज़, मतलब दोनों में सहमति होना बहुत ज़रूरी है, दोनों पार्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस बात पे कि अब वो आगे केस नहीं लड़ेंगे और अपना केस ख़त्म करना चाहते हैं नेशनल लोक अदालत के थ्रू। केस कितना भी पुराना हो सकता है, बहुत लंबा पेंडिंग केस भी हो सकता है, बट पार्टीज़ की सहमति बहुत ज़रूरी है, हम नेशनल लोक अदालत में फोर्स करके या दबाव डाल के नहीं करा बिल्कुल, सकते दोनों पक्षों के जो बिल्कुल है, बिल्कुल से ही जो है, समाधान जैसा जो नाम ही सजेस्ट करता है लोक अदालत, जब लोगों की मर्जी होगी तभी यहाँ पे केसेस डिस्पोज ऑफ हो पाएंगे। जसलीन मैम, अगर मामला न्यायालय में पहुँच गया हो और उसका जो निस्तारण जो है, क्या राष्ट्रीय लोक अदालत में जो कैसे होगा, क्या दोनों पक्षों का जो है होना बहुत ही ज़रूरी है जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे हैं? जैसे किरण मैडम ने बोला कि लोक अदालत का जो उद्देश्य यही है कि जहाँ पे आपका मामला लंबित है और कोर्ट में टाइम लग रहा है, दोनों पक्षों को ये लगता है कि हम आपस में सुलह, क्योंकि जब विवाद होता है उसके बाद जब कोर्ट की प्रक्रिया में वो केस लंबित रहा, मान लिए 3-4 साल लंबित रहा, उसके बाद कहीं दोनों पक्ष ही थोड़ा सा थकना शुरू हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं इससे अच्छा हम आपस में सुलह सफाई करके और आपस में सुलहनामा करके हम लोग इसको निपटा लें। तो लोक अदालत एक ऐसा ही मंच है जहाँ पे आपको लगता है कि एक मेरा लंबित केस है जो कोर्ट में, उसमें किसी वजह से उसका लंबित हो रहा है और मेरे को न्याय शीघ्र नहीं मिल रहा,
तो शीघ्र न्याय मिलना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोगों के जो लंबित मामले हैं उनमें कई बार क्या होता है कि कोई ऐसे विवाद बहुत छोटा होता है, जब हम उनको बिठाते हैं, हम उनसे पूछते हैं, जब कोर्ट मध्यस्थता के थ्रू कोशिश करता है कि उनका विवाद से पूछा जाए क्या है क्या, तो जब उनकी आपस में निकलता है तो विवाद बहुत कम होता है, जिसको कोर्ट में लंबित होने के कारण आपस में इतना रंजिश बढ़ जाता है, तो उसका निपटारा करने के लिए लोक अदालत ऐसा ही मंच दिया गया। हर 3 महीने बाद लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है, तो उसमें यही बेसिक जो मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को शीघ्र न्याय मिले और आपस में सुलह, अगर सुलह का कहीं पे भी उनको लगता है कि सुलह करके हम इस केस को निपटा सकते हैं तो निपटा लिया जाए। जी प्रहलाद सर, 11 सितंबर यानी कि आने वाले शनिवार को जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, तो अपने राज्य में इसको लेकर क्या विशेष तैयारी है? विशेष तैयारी पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी कंसर्न DLSA हैं जी, उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर बैनर आदि लगा रखा है कई जगह कि लोगों को जागरूक करने के लिए, और हम लोग जो आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं यह भी एक प्रचार प्रसार का ही हम पार्ट कह सकते हैं। और उसके अलावा जैसे हम लोगों ने कई DLSA हैं जिन्होंने रेडियो पे प्रसारण किया है 11 सितंबर के लोक अदालत को लेकर के, तो और मीटिंग होती रहती है बैंक के साथ, लिटिगेंट के साथ जो कंसर्न DLSA हैं, तो ये सब सारे 11 सितंबर के लोक अदालत से संबंधित तैयारियां हैं पूरे राज्य भर में। जी, क्या इसके बाद भी यानी कि 11 सितंबर के बाद भी जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा? बिल्कुल होगा, 11 दिसंबर का डेट तय हुआ है नालसा के कैलेंडर के मुताबिक। राष्ट्रीय लोक अदालत का संबंधित जो कैलेंडर है वो नालसा जारी करती है प्रत्येक साल, साल में 4 बार इसका आयोजन होता है। अगर एक बार आप बाई चांस अगर आप नहीं मुकदमा सुलह करा पाए तो आप अगले लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत जो आयोजन होना है आप उसमें आप निपटारा करा सकते हैं अपने वाद का। जी किरण मैडम, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने केस के सुलह के लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे जो है इससे जो है जो कोरम होता है उसे कैसे जो लोग पूरा करेंगे जिससे कि इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने जो है समाधान ढूंढें? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दो तरह के केसेस हैं, एक प्री लिटिगेशन केसेस हैं, एक पोस्ट लिटिगेशन केसेस हैं। प्री लिटिगेशन केसेस में अगर दोनों तरफ के जो पार्टीज़ हैं, अगर मान लीजिए मेरा कोई समस्या है किसी बिजली विभाग से, BSNL से, किसी से, तो इस पे दोनों पार्टीज़ के पास राइट है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी कंसर्न जो DLSA है, जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसके पास एक एप्लीकेशन दे सकती हूँ ये कहते हुए कि मैं अपना जो केस है, जो अपना मामला है, नेशनल लोक अदालत पे डिस्पोजल कराना चाहते हो। वैसे ही जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, बैंक की कंपनीज़ हो गई, वो भी कंसर्न DLSA इसको कंसल्ट कर सकती हैं, और उसमें जो ऑपोजिट पार्टी होती है, अगर एक पार्टी कंसल्ट कर रहा है तो दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है, दोनों की प्री सिटिंग कराई जाती है, वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, किसी एक कॉमन अमाउंट पे या कॉमन जो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होती है उस पे सेटल करते हैं। ये सब है प्री लिटिगेशन, जहाँ पे केसेस अभी कोर्ट में नहीं पहुँचे हैं। दूसरी तरफ के केसेस हैं जहाँ पे केसेस पहले से किसी ना किसी कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनको हम कहते हैं पोस्ट लिटिगेशन केसेस। उसमें शुरू से ही जैसे ही नेशनल लोक अदालत की तिथि घोषित होती है, हमारे कंसर्न DLSAs होते हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उनको हेड करते हैं, वो वहाँ पे सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को बोलते हैं कि आपके यहाँ जैसे उतने जो भी वैसे रिकॉर्ड हैं जो सेक्शन जो कि नेशनल लोक अदालत में जिनका डिस्पोजल हो सकता है, वैसे रिकॉर्ड्स को आप छांटना शुरू कीजिए, आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए। उसका एक टिपिकल मतलब सेट फॉर्मेट है जिसमें होता है कि भाई कंपाउंडेबल केसेस होने चाहिए और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसमें अगर आपके पास अगर पार्टीज आपके सामने खड़ी हैं और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अगर वो देख रहे हैं ये रिकॉर्ड ऐसा है जिसका कि डिस्पोजल नेशनल लोक अदालत में किया जा सकता है, तो वो कंसर्न पार्टी को उसी समय बोलते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई देखिए आपका ये रिकॉर्ड है, इस बहुत सिंपल सा बात है, सिंपल झगड़ा है, आप चाहें तो इसको सुलह कर सकते हैं, आपको लंबे समय तक वेट करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोर्ट में कब तक मामला चलेगा ये हमें नहीं पता होता और फिर पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इन सब केसेस में क्या होता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वही उस रिकॉर्ड में एक पर्टिकुलर डेट फिक्स करके पार्टीज़ को बता देते हैं कि हम आपका रिकॉर्ड नेशनल लोक अदालत में भेज रहे हैं, इस दिन को नेशनल लोक अदालत हो रहा है, आप जा सकते हैं। और मान लीजिए कि दोनों पार्टीज़ अगर आपके सामने नहीं हैं तो वैसे रिकॉर्ड्स को भी DLSA भेजा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वहाँ पे जाकर वैसे रिकॉर्ड्स में दोनों पार्टीज़ को नोटिस इशू किया जाता है, दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है कि आप आएँ और अपना जो मामला है उसको नेशनल लोक अदालत के थ्रू
डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करें। जी, अभी पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, कोविड-19 का पीरियड है, काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण है ये समय भी, तो दूसरा लहर जो है चला गया, तीसरी लहर की जो है अभी दस्तक होने वाली है, तो ऐसे में क्या लोक अदालत जो का आयोजन, जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन या वर्चुअल तरीके से इसका कोई प्रक्रिया? देखिए, ऐसे तो कोरोना की स्थिति बहुत बुरी है, हम सब ने देखा फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, बट कोरोना जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में लोक अदालत और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अभी जो हमारी जो कोर्ट्स हैं वो बहुत लिमिटेड मैनर में फंक्शन कर रही हैं, बहुत कम केसेस वहाँ पे सुना जाता है, जो एकदम मैक्सिमम लोगों का सुरक्षा का और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान रखते हुए कोर्ट्स बहुत लिमिटेड मैनर में चल रही हैं। तो ऐसे समय में पार्टीज़ को चाहिए कि इस तरह के लोक अदालत का वो और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी एक केस का डिस्पोजल मिल जा रहा है, आपका केस ख़त्म हो जा रहा है, आपको नहीं पता कि पैंडेमिक कितना लंबा चलेगा, आपको ये भी नहीं पता कि कोर्ट्स कब से नॉर्मली फंक्शन करना शुरू करेंगी। तो और जैसा कि आपने पूछा कि क्या ध्यान रखा जा रहा है, हम हर तरह की कोशिश करते हैं, शुरू शुरू में हमने ऑफलाइन मोड में ही चलाया है लास्ट टाइम वाला, और इस बार भी हम हाइब्रिड मोड में चलाते हैं, और हम भरपूर प्रचार प्रसार करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितनी भी कोविड की SOPs हैं वो सब फॉलो किया जाए कि जो समस्या है कोविड की समस्या है वो बढ़े ना। जी जस्टिन मैम, लोक अदालत के बेंच में जो है कौन कौन से सदस्य होते हैं? लोक अदालत का जो बेंच गठित होता है उसमें एक तो जुडिशियल ऑफिसर रहते हैं, न्यायिक अधिकारी, वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं, और जो अभी ड्यूटी पे हैं वो अगर डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज चाहें तो जो अपने न्यायिक अधिकारी हैं उनका बेंच गठित करते हैं, और उसके हिसाब से नालसा की इसकी रेगुलेशंस बनी हुई हैं, नालसा का इसका अधिनियम बने हुए हैं, उसके अंतर्गत एक लीगल प्रोफेशन का मेंबर होना चाहिए, कोई भी एडवोकेट उस पीठ का एक मेंबर हो सकता है, और एक जो दूसरा मेंबर है वो आप कोई भी सोशल वर्कर हो सकता है, उसमें कोई धर्म जाति भेद किसी तरह का भी नहीं, जिस तरह उसमें हर तरह के लोग आके उसमें लेकिन उसके लिए सोशल वर्कर मतलब सोशल सर्विस करने वाला इंसान होना चाहिए। तो ये जिला जज के ऊपर है कि न्यायिक अधिकारी के अलावा वो एक मेंबर रखें या दो मेंबर रखें, मतलब पीठ का गठन तीन मेंबर का भी हो सकता है और दो मेंबर का भी हो सकता है, जिसमें एक वकील होना ज़रूरी है। हम वकील को इसलिए थोड़ा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वकील आपके कोर्ट की प्रक्रिया से जानकार है, अगर हम न्यायिक अधिकारी के साथ किसी सोशल वर्कर को अकेले बिठा देंगे तो उसमें थोड़ा सा कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी उनको, इसलिए हम वकील को करते हैं। तो अमूमन तौर पे देखा गया है कि दो दो जन का, क्योंकि लोग सुलह करके आ रहे हैं तो उसमें कोई फैसला तो लेना नहीं, कोई न्यायिक आदेश तो करना नहीं, तो इसलिए न्यायिक अधिकारी के साथ एक दो दो लोगों का जो पीठ बन जाता है। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से अपील करेंगे कि अगर आप इस विषय पर, यानी कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आज का हमारा विषय है, अगर आप इस संबंध में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, वो नंबर नोट कीजिए 1-800-345-6171। ये नंबर पर आप डायल कर आप विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। तो प्रहलाद सर, आपसे हमारा सवाल कि क्या लोक अदालत पीठ द्वारा पारित अवार्ड जो फैसला होता है वो क्या बाध्यकारी होगा? ये बाध्यकारी होता है दोनों पार्टी पे, क्योंकि दोनों आपसी सुलह समझौते के आधार पे लोक अदालत के समक्ष आते हैं, और अगर फ्रॉड से या किसी अन्य कोएर्सिव मेथड से या किसी और तरीके से अवार्ड पास करा लिया गया हो लोक अदालत के द्वारा तो उसे। प्रहलाद सर, यहाँ पर आपको रुकूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका पहले फोन ले लें। हेलो हेलो, स्वागत है, पहले अपना परिचय दें। हेलो जी, अपना पहले परिचय दें उसके बाद सवाल रखें। जी अनिल, सवाल रखें। जी जी, हेलो हाँ अनिल जी, सवाल आप रखे, स्पष्ट आपका आवाज़ नहीं मिल रही है, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराए। बोल रहे हैं कि मान के चलिए हम तो गरीब आदमी है, जमीन तो लेना पड़ते हैं, किराया इतना महंगा है कि हाथ से भी जाते जी, वही हम सोच रहे बात कर रहे हैं।
अनिल जी, ऐसा है कि आज का हमारा जो विषय है वो राष्ट्रीय लोक अदालत पे है और हम चाहेंगे कि आप इस विषय से संबंधित सवाल रखें। जी, शुक्रिया। ज़्यादातर मामले जो हैं वो ये जो जमीनी विवाद और चाहे इस तरह के मामले हैं, हालांकि जो है हमारे जो अनिल जी जो दर्शक जो थे वो उनका अलग विषय था। ये हम लोग की बात हो रही थी कि पीठ द्वारा जो पारित जो वार्ड जो होता है फैसला होता है, क्या वो बाध्यकारी होता है? बाध्यकारी होता है उभय पक्षों पे जी, चूँकि दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामले को निस्तारण हेतु लोक अदालत में ले जाते हैं। और अगर किसी पक्ष को लगता है ऐसा कि उन्हें कोएर्सिव मेजर्स के अडॉप्ट करके या फिर उनको धोखे में रख करके कोई अवार्ड पारित करा लिया गया है, तो वैसी स्थिति में उनके पास एक रास्ता है कि वो सीधा आर्टिकल 226-227 में हाईकोर्ट में कंसर्न हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं उस अवार्ड के अगेंस्ट। किरण मैम, अगर लोक अदालत में दोनों पक्षों में अगर सुलह नहीं हुई, सहमति नहीं हुई, तो क्या विकल्प होता है? लेकिन यहाँ पर ये सवाल हम जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम एक सवाल लेने के दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम संवाद में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अमर किशोर। हाँ जी, अमर किशोर जी, हाँ जी, हाँ, आवाज मिल रही है, आप सवाल रखें। हाँ, मेरा नाम अमन किशोर, वार्ड मनेर से बोल रहा हूँ। जी जी, हाँ अमन जी, सवाल अपना जारी रखिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि बिजली विभाग में हमारा बिल ज्यादा आ रहा है, इसके चलते हम बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं जी, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या लोक अदालत द्वारा सुनवाई किया जा सकता है? जी 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 अमन जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपके सवाल का। आप अपने जो वहाँ पे जिला मुंगेर से बोल रहे हैं, मनेर से जी। तो अपने आप जिला व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक प्राधिकार है हमारा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, वहाँ पे सचिव होंगे, उनके पास जाके ये एक आवेदन देंगे। उस आवेदन में जो इनके हमारे जो सचिव हैं, अगर इनका कोई अभी तक नोटिस वगैरह नहीं आया या अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की डिपार्टमेंट विभाग ने, तो वो उनको एक नोटिस इशू एक नोटिस भेज देंगे विभाग को, और विभाग को बुला के इनका इस लोक अदालत में निपटारा हो सकता है जी। क्योंकि अभी टाइम कम है, तो अगर ये कल जाएं तो हो सकता है विभाग के, क्योंकि आएंगे उस दिन पक्षकार विभाग के, तो उस दिन ये लोग एप्लीकेशन उसका एक आवेदन दे सकते हैं वहाँ पे, और उनका निपटारा हो सकता है लोक अदालत। ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं? अभी ऑनलाइन आवेदन का कुछ हम लोगों ने अपना बालसा का हम लोगों ने एक ईमेल आईडी बनाया है, बालसा लोक अदालत @gmail.com, उस पर कर सकते हैं। इससे बेहतर अगर ये पर्सनली वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारे लीगल पैनल एडवोकेट भी रहते हैं, रिटेनर लॉयर भी रहते हैं, जो सरकारी हम लोग उनको नियुक्त करते हैं लोगों की सेवा के लिए, लोगों को लीगल फ्री में लीगल एड देने के लिए, लीगल एडवाइस देने के लिए। तो ये वहाँ पे जाएंगे तो अपना एप्लीकेशन देंगे तो एक नोटिस दिया जा सकता है विभाग को, और ये उनका इनके इस विवाद जो भी इनकी समस्या है इसका निदान हो सकता है। जी, किरण मैम, हम लोग की बात हो रही थी कि अगर दोनों पक्षों में जो है सहमति अगर ना बन नहीं बनी हो तो क्या विकल्प बचता है? सभी विकल्प खुले हुए हैं जी। इनफैक्ट नेशनल लोक अदालत तो आपके पास एक एडिशनल मौका है, एक ऑल्टरनेटिव फोरम है अपना समस्या हल करने का। अगर आपके केस पहले से किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो वो केस उसी तरह से चलेगा। जिन मामलों का डिस्पोजल नहीं हो पाता है नेशनल लोक अदालत में, वहाँ पार्टीज का केस फिर वापस से उसी कोर्ट में चला जाता है और जिस स्टेज पे था उसके आगे प्रोसीड करता है। बट यहाँ पे ये भी कोशिश की जाती है कि उनको बताया जाए कि भाई आपके पास और भी फोरम्स हैं, जैसे ADR के और मैकेनिज्म हैं जिनको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कंसीलिएशन होता है उसमें, आप मीडिएटर अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर लगे कि भाई पार्टीज़ को सचमुच कहीं पे लीगल एड की ज़रूरत है, उनको कुछ लीगल जानकारी चाहिए, तो वो भी उनको सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपका मामला यहाँ नहीं सुलझ रहा है और अगर आपको कोई और लीगल जानकारी चाहिए, कोई और किसी तरह का लीगल एड चाहिए, तो वो भी उनको बताया जाता है और बताया जाता है कि आप वो कहाँ कंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, 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 हाँ जी, स्वागत है आपका, पहले अपना परिचय दें। जी, हम विनय कुमार बोल रहे हैं, पटना। जी जी, विनय जी, सवाल रखे। मैं विनय कुमार हूँ जी, अधिवक्ता भी जी, और मैं अपना सवाल पूछना चाहता हूँ जी माननीय लोगों से कि श्रीमान आपके लोक अदालत में अभी तक जो भी प्रैक्टिस वहाँ करते हैं, अभी तक हमने देखा है कि रेवेन्यू से संबंधित जो बैंक की मामला है, MBI का मामला है, और क्या बोलता है बिजली से कनेक्टेड
जो वहाँ फाइन लग रहा है उसका मामला है, यही सबका केस ज़्यादा होता वहाँ से निपटारा होता है। और मेंटेनेंस ये सब जो हो गया सभी मेटल जो केसेज हैं वो सब का वहाँ निपटारा नहीं हो पाता, यही मेरा क्वेश्चन है। जी विनय जी धन्यवाद आपके प्रश्न का। आप खुद अधिवक्ता हैं तो आप खुद जानते हैं कि लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत में उन लोगों का निपटारा किया जाता है, उन केसों का निपटारा किया जाता है जो आपस में दोनों सुलह कर रहे हैं। अगर दोनों पक्ष उसमें सुलह नहीं कर करते तो इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत के पास कोई विकल्प नहीं रहता उस बात को वापस न्यायालय में भेजने के अलावा। जहाँ पर सुलह नहीं दिख रही, जब दोनों पक्ष उसमें सुलह नहीं कर पा रहे तो राष्ट्रीय लोक अदालत के जो पीठ गठित की जाते हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उस उनको उसको केस को वापस उस कोर्ट में भेजना पड़ता है कि हाँ इनका सुलह नहीं हो पाया जी। तो इसमें नेशनल लोक अदालत में उसका क्यों नहीं निपटारा हो सकता, क्योंकि दोनों पक्ष अगर उसमें नहीं सहमत होंगे तो इसमें ना दबाव का कोई जरिया लगाया जा सकता है ना जोर इसमें किसी तरह का दबाव अगर पाया गया किसी सुलह में तो इसलिए उसको लिया भी नहीं जा सकता। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले ले। हेलो हेलो, हाँ जी स्वागत है आपका, पहले अपना परिचय दें। जी सौरभ जी, जी जी सर्विस मैटर के बारे में सौरभ जी हैं हमारे दर्शक बेगूसराय। जी सौरभ जी, सर्विस मैटर के मैटर्स जो केसेस हैं वो ज़रूर लोक अदालत में देखे जाते हैं। अगर आपका मामला लंबित है या आप प्री लिटिगेशन में हैं, प्री लिटिगेशन में आप एक एप्लीकेशन सेक्रेटरी डीएलएसए को दे सकते हैं, या अगर आपका मैटर चल रहा है तो आप उसको कोर्ट के थ्रू उसमें मीडिया लोक अदालत के लिए रेफ़र करवा सकते हैं। प्रहलाद सर आपसे ये हमारा ये सवाल कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों का निपटारा करवाने का क्या फ़ायदा है? राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर मुकदमों का निपटारा किया जाता है, यह एक फाइनल माना जाता है कि इसके अगेंस्ट कोई अपील लाई नहीं होती है, और यह है कि आपसी सामंजस्य बना रहता है, सद्भाव बना रहता है उनके बीच। जो अपील के प्रोसेस में अगर वो जाते हैं हायर कोर्ट्स में तो समय का बचत होता है, खर्चे का बचत होता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें किसी एक पक्ष की ना तो हार होती है ना दूसरे पक्ष की जीत होती है, दोनों पक्ष जीतते हैं, विनिंग सिचुएशन दोनों पक्षों के लिए होता है। अतः यही सब डिफरेंट फ़ायदे हैं जो कि लोक अदालत में अपने वाद को निस्तारण को लेकर के कह सकते हैं। किरण मैम आपसे हमारा ये सवाल कि क्या कोई ऐसा मुकदमा जिसे हम लोक अदालत में नहीं ले जा सकते? जैसे देखिए जो नालसा का रेगुलेशन है जिसके द्वारा हम बाउंड हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि भाई अगर जो मैटर्स क्रिमिनल कंपाउंडेबल नहीं है, जो सीआरपीसी सेक्शन 320 सीआरपीसी में जिनको क्रिमिनल कंपाउंडेबल नहीं बोला गया, जैसे 498A के मैटर्स हैं तो उसको बार किया जाता है कि आप उसे नहीं ले जा सकते। सिमिलरली डिवोर्स के मैटर्स, डिवोर्स को कहा जाता है कि आप उसका डिस्पोजल आप लोक अदालत के थ्रू नहीं करा सकते। बेल मैटर्स आप लोक अदालत के थ्रू नहीं ले जा सकते। तो बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जो अभी भी लोक अदालत के परव्यू के बाहर हैं। जी जसलीन मैम, चलते चलते अंत में आपसे हमारा एक सवाल कि हमारे दर्शकों से आप जो है क्या अपील करेंगे? हम अपने आपके दर्शकों से इतना ही अपील करेंगे कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहाँ पे अगर आपके मामले लंबित हैं और जिस तरह आपने बोला कोरोना काल में थोड़ा धीमी गति हो गया हर कार्य का, तो अगर आपका केस सुलहनीय है, आप सुलह करने को इसमें इच्छुक हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको अपना लोक अदालत में लाइए और निपटारा कराइए और खुशी खुशी घर जाइए। जी जसलीन मैम, प्रहलाद सर और किरण मैम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कि आज आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को जो है आज का ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। तो हमारा भी आप सभी से ये अपील कि आप सुलह का जो है रास्ता अपनाएं, सुलह ही समाधान का रास्ता है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर को आयोजित हो रही है, तो आप निश्चित इसका लाभ लें। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, अगले अंक में हम फिर किसी नए विषय और विशेषज्ञ के साथ शामिल होंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।